मुझे ऐसा लगता है कि सरकार दबाव में तो है और सरकार ये भी समझ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही सही थी, मगर नीयत साफ नहीं है। अभी भी छल कपट मन में है, अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि सरकारी मुलाजिमों को बेवकूफ़ बना के उनको एक झुंझुना पकड़ा दें और किसी तरीके से इस मामले में पतली गली से निकल लिया जाए। मगर मैं आपको बताऊं, सरकारी बाबू तो एक एक नुक्ते के ऊपर कैलकुलेशन करके बैठते हैं, और जितना मुझे कल से आज तक समझ में आया वो ये है कि ये स्कीम एक झुंझुना है और एक धोखा है। जी, एक अंतिम सवाल, कल जो बीजेपी के पार्षद शामिल हुए, आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद शामिल हुए बीजेपी में, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती दिख रही है, जो सबसे एक तरह ताकतवर बॉडी होती है एनसीडी की, क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की और इससे कितना आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी देखिए, को नुकसान? हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे, जिस तरीके से एमसीडी के अंदर एल्डरमैन एलजी साहब ने बनाए और चुन चुन के उन जोन्स के अंदर एल्डरमैन बनाए जहां पे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुनने में आसानी हो, उससे बात साफ है कि एलजी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और साजिशों का हिस्सा है। पहले दिन से एलजी साहब को ये मालूम है कि इन इन जोनों के अंदर ही एल्डरमैन, भाई आपने 10 एल्डरमैन लगाने थे, आपके पास 12 जोन थे, आप एक एक तो डालते, सबकी रिप्रेजेंटेशन होती, आपने चार में एक में चार डाले, एक में चार डाले, एक में दो डाले। क्यों डाले? क्योंकि आपको लगता है इस गणित के हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी में ला सकते हैं। इससे एलजी एक्सपोज होते हैं और उनका पूरा का पूरा षड्यंत्र एक्सपोज होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए वे राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा